आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ क्लासेस में फिर से स्वागत है। इंडियन एयरफोर्स के जो हमारे एग्ज़ाम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों, इसका एग्ज़ाम का रिजल्ट है जो 2 अक्टूबर तक वो हमारा जो आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए पहले ही बोल रहा हूँ कि आप लोग PFT के लिए प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत कम ही टाइम मिलेगा PFT के लिए, ठीक है। अगर वहाँ पर बाहर हो गए तो मतलब अंदर से गलती फील होगा कि मैं तैयारी कर लेता तो मैं शायद पास हो जाता, तो उससे पहले आप PFT की पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। और एक काम करके साथ के साथ अपनी पढ़ाई जो स्टडी को कंटिन्यू रखिए आपने 4th कमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का पार्ट 2nd। पार्ट में पहले ही अपलोड पार्ट 1 पहले अपलोड हो चुका है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर ही ट्रिक बताऊंगा। ऐसी कुछ तरह की इक्वेशन दिख जाए तो मैं क्या निकालूंगा, सबसे 4ac माइनस का b², ठीक है। ये वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा। इफ़ दिस विल बी नेगेटिव, अगर ये मेरी वैल्यू नेगेटिव होगी तो मैं इसके लिए अभी ट्रिक लिखने जा रहा हूँ। अगर ये वैल्यू क्या हो, मेरी पॉजिटिव हो तो मैं फर्स्ट पार्ट के अंदर इसको करवा चुका हूँ। अगर ये वैल्यू मेरी क्या हो, पॉजिटिव हो, तो उसकी ट्रिक मैं फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको दे चुका हूँ। वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब इसके बारे में देखते हैं। अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, इक्वेशन होगी मेरी ax² + bx + c की फॉर्म में होगी, जिससे मैं 4ac - b² कलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या, मेरी -1, b की वैल्यू मेरे पास 2 एंड c की वैल्यू 3, तो 4 × -1 × 3 -2² ये हो जाएगा -12, ये -4 = -16, ये क्या वैल्यू मेरी नेगेटिव वैल्यू है। तो मेरी क्या ट्रिक हो जाएगी, देखिए 1/√ मॉडुलस ऑफ 4ac - b² log of lower by में higher प्लस में सी। अब बात करते हैं कि लोअर और हायर क्या होता है। इसके मैं फैक्टर बनाऊंगा और एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। जो भी मेरे को लोअर वैल्यू दे रहा होगा वो ऊपर आ जाएगा फैक्टर, जो हायर वैल्यू दे रहा होगा वो नीचे आ जाएगा। हाउ, देखिए कैसे, 3 देखो इसमें से माइनस कलेक्ट माइनस बाहर निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, x² - 2x - 3 हो गया माइनस। अब इसके मैं फैक्टर बनाऊँ तो मेरे क्या आ जाएंगे, x+1 और x-3, ये मेरे क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। तो इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट करूँ, यहाँ से मेरे को मिली 1, यहाँ से 0 पुट किया, यहाँ से मिली मेरे -3, लेकिन माइनस पहले से था तो ये -1 हो गया, ये +3 होगा। अब बताओ इनके अंदर से लोअर वैल्यू कौन सी है, -1 लोअर है ना, तो ये किसने दी, x+1 ने, तो ये ऊपर आ जाएगा। देखो इसका, अब इसका मॉडुलस होता है 16 और 16 का रूट क्या हो जाएगा, 4, तो 1/4 log लोअर वैल्यू कौन सी दे रहा है फैक्टर, x+1 दे रहा तो ये ऊपर आ जाएगा, और हायर कौन दे रहा, x-3, तो ये क्या आ जाएगा मेरा नीचे +c, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। कहाँ मुश्किल था यार इस ट्रिक के हिसाब से। चल बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेम वही बात है, ये इस फॉर्म में है तो क्या निकालो, 4ac - b² इसका निकाल लो। क्या कहता, 4ac 4 × a की वैल्यू मेरे पास 3 एंड c की वैल्यू पर मेरे पास -10 -b² यानी कि 13² ये हो जाएगा -120 -169 कितना आ गया 289 ये क्या आ जाएगा मेरा 13². अब बात करते हैं अगर ये 13² ये खोलना भी मैंने ट्रिकी क्वेश्चन के नाम से मेरी वीडियो होगी, वहाँ पर भी मैंने इसको स्केयर करना अच्छे से एक्सप्लेन किया ट्रिक के साथ कैसे, ठीक है। वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब बात बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद ये वैल्यू होगी मेरी, अब बात करते हैं इसके फैक्टर्स की, फैक्टर कैसे निकालूंगा मैं, 3x² + 15x - 2x - 10 = ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा, 3x कॉमन निकाला तो क्या, x + 5 - 2 कॉमन निकाला x + 5, तो फैक्टर हुए x + 5, एक हो जाएगा मेरा 3x - 2, ये वाला फैक्टर, इसको मैं क्या x + 5, और ये क्या हो जाएगा मेरा x - 2/3। अब x को 0 के इक्वल पुट करूंगा तो ये वैल्यू मेरे को दे रहा 5, ये मेरे को दे रहा 2 - 3, तो लोअर वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, तो ये ऊपर बिक जाएगी, तो क्या हो जाएगा log x - 2/3 बाई में क्या हो जाएगा x + 5 + c। अब बात करते हैं 1/√ तो ये क्या आता है 289 क्या है 1/17 log of x, इसका एलसीएम लूंगा 3 - 2/3 नीचे x + 5 + c, ये इस फॉर्म में ये 289 का रूट हो जाएगा 17। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है कि ये 3 यहाँ से
मिसिंग होता है, क्योंकि मिसिंग होता है क्योंकि लॉग वन बाई थ्री हो जाएगा, लॉग वन बाई थ्री और सी कॉन्स्टेंट है, तो इसको इसी के अंदर मिला दिया जाता है, इसको नेगलेक्ट कर दिया, छोड़ के जाते हैं। तो कभी घबराइएगा कि नहीं, यहाँ पर थ्री नहीं दिया हुआ है, थ्री हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, चिंता मत करने क्योंकि कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट सी के अंदर हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। ठीक है, ये क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री फिर से निकालो, फोर ए सी माइनस का बी स्केयर इजी, ठीक है इसकी वैल्यू निकालो, फोर ए की वैल्यू कितनी मेरे पास फोर एंड सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है फाइव, ठीक है माइनस ट्वेल्व का होल स्केयर, चार चौके सोलह पंजे अस्सी, ठीक है माइनस बारह सौ वन फोर्टी फोर। देखो ये वैल्यू भी मेरी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव कितनी सिक्सटी फोर, माइनस का 64 आ गई। अब क्या निकालना मेरे को, वही निकालना है, इसके फैक्टर सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँ, सबसे फोर एक्स स्केयर प्लस का 10x प्लस का 2 प्लस का 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके अंदर क्या करो, रीअरेंजमेंट करो, फोर एक्स स्केयर प्लस का 2x प्लस का 10x प्लस का 5। ठीक है, अब यहाँ से 4x कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, x प्लस 1 बाई 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ से प्लस का 10 कॉमन लो तो x प्लस का 1 बाई 2 बच गया यहाँ से, तो क्या हो जाएगा टोटल 4x प्लस 10 और एक हो जाएगा x प्लस 1 बाई 2। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 10 बाई 4 और एक हो जाएगा x प्लस 1 बाई 2। ठीक है, 10 बाई 4 2 से करो x इज इक्वल टू 5 बाई 2, एक हो जाएगा x प्लस 1 बाई 2, सेम आ रहेगा ये 5 बाई 2 डाई होता है। ठीक है, इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट करो तो ये मिला मेरे को 5 बाई 2, ये मिला मेरे को 1 बाई 2, तो इसके अंदर लोअर कौन सी वैल्यू, 1 बाई 2 वाली लोअर वैल्यू है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 64 का अंडर रूट कितना आता है मेरा 4 रूट, तो कितना आएगा 1 बाई 8 लॉग ऑफ लोअर वैल्यू वाली ऊपर, ये लोअर है तो ये ऊपर बिक जाएगा x प्लस का 1 बाई 2 और नीचे क्या आ जाएगा x प्लस का 5 बाई 2 प्लस का सी। अब इसको कॉन्स्टेंट से नेगलेक्ट करके आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, कैसे कर, देखो कैसे होगा, 2x 1 बाई 8 लॉग ऑफ 2x प्लस का 1 बाई में 5x सॉरी 2x प्लस का 5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस का सी, कोई कांस्टेंट वाला सिस्टम ही नहीं बचता, ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं, कृपया करके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 999, किसी प्रकार की दिक्कत हो यहाँ पर आकर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। और कमेंट करिए इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कि नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो किस चैप्टर की मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आपको जो मतलब अच्छे से नहीं आता वो बताइए, उसी को हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर